में से अल्लाह जल्ले शानहु हर किसी से गुनाह माफ करवा देता है सिवाय कर्ज के। अगर कोई लेन देन है, कर्जा है आपके सर पर, वो किसी का भी माफ नहीं होता, वो शरीर का भी माफ नहीं होता। लेकिन उसके अलावा तमाम उम्र का प्रोशिप, गुनाह, गलतियाँ, जो भी कुछ हो, ये अपनी अकीदत और मोहब्बत की जिस अंदाज की होती है उसी के मुताबिक हो, किसी के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। ये बैत की पहली जो है इसीलिए है, उसका कर्म ये। लेकिन फरमान ये भी है कि जो अगर बहुत ज्यादा अकीदत मोहब्बत से बैत होता है, नस्बत इख्तियार करता है, तो अल्लाह जल्ले शानहु उसके मसलन आप गुनाह लिखे गए पे इतने हजार या एक लाख गुनाह है, तो किसी के तो वो खत्म कर दिए जाते। अब लाख गुनाहों की बजाय लाख नेकियां लिखी पड़ती। ये अकीदत मोहब्बत की वजह से उसकी बुनियाद नहीं कि गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दिया जाता है। तो ये पहला पैर जो नस्बत का अदा होता है ये होता है, और जो कहीं भी सही सिलसिला में नस्बत इख्तियार करता है उसकी नजर उसको अल्लाह के फजल व करम से, रसूल की रहमत से उसको नजर की तकलीफ हो। और ये इतनी बड़ी अता है कि इंसान सारी उम्र हर चीज कुर्बान कर दे, गुलामी किसी की कर दे, फिर भी ये नसीब होना बहुत मुश्किल है। नजर की तकलीफ इस तरह बयान की गई, हजरत मौलाना ने मुस्किसा से पूछा कि कैसे नजर की, फरमाया तो मैं अपने पूरी ताकत से 360 तलवारें मारूं किसी जगह पर, और 360 वारों तलवारों की तकलीफ एक वार में इकट्ठी कर दी जाए तो वो सब लोग नजर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कैफियत ये है नजर की, अगर एक देह के नीचे आग लगाई जाए तो सुरख जाए, फिर काली हो जाए, उसका रंग चेंज जाए, एक जिंदा चिड़िया को उसमें बंद कर दिया जाए, ढकना दे तो बंद कर दिया जाए, ना चिड़िया की जान निकले ना उसको निकलने का रास्ता मिले, वो कैफियत जो है वो इतनी दूर तक जो है वो उसका शेक आए आग का देह में, तो ऐसी कैफियत है। हदीसे पाक है कि इस तरह ये समझाने की मिसालें दी गई हैं कि एक कांटेदार झाड़ी हो, आप बारीक मलमल का कपड़ा उस पर डाल के गीला एक तरफ से जोर से झटका दें तो जो तकलीफ होगी मतलब वो एक उसकी खिंच जाएगी हर चीज रेशे रेशे से। इसी तरह हड्डियों से जिसम से जब जान को तकलीफ होती है, सख्त तकलीफ होती है, उस वक्त वो बंदा बता नहीं सकता, हैरान विचार होते। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये हजरत इज़राइल मिले तो उन्होंने कहा कि मुझे एक सवाल किया कि मुझे वो सूरत दिखा कि जब वो आम लोगों की जान रूह कब्ज करेगा तो किस शक्ल में आएगा, तो वो कहने लगे आप बर्दाश्त लेकर पढ़ेगा, क्योंकि मैं अल्लाह से कलाम करता हूँ, मूसा करीम उल्लाह हूँ, जो कहता है कि तुम आम बंदा कैसे बर्दाश्त कर गए, मैं नबी को बर्दाश्त नहीं करता। तो आपने जब जोर दिया तो कहने लगे कि आप रुख दूसरी तरफ करें, मैं अपनी सूरत डालूँ, जब सूरत बना के सरकार देख ले मुझे, आपने दूरी से देखा, चंद गज के फासले से देखा, तो हजरत मूसा करीम उल्लाह की चीख निकल गई और बेहोश हो गई। जब होश आई तो सजदे में सर रखे रोए, या रब्बिल आलमीन पूरी जिंदगी अगर वो गुनाह करता रहे, एक नेकी भी उसके पर लेना हो तो इज़राइल अलैहिस्सलाम की ये शक्ल देख लेना ही अजाब, इससे बड़ा और क्या अजाब होगा। ये तो अब दूर से अगर नजर आई है, जब नजर आते हैं फरिश्ता तो उस इंसान जिसका वक़्त आ जाता है तो उस वक्त वो एकदम वो हैरान होता है, ये मैंने क्या ख्याल है, एकदम घूमते हैं, ये मैं छोड़ के जाने वाला हूँ, ये मैंने क्या किया, मैंने ये अल्लाह की उसकी नमाज क्यों नहीं पढ़ी, मैंने नस्बत क्यों नहीं किया थी कहीं, मैंने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, उसकी बात क्यों नहीं की, अल्लाह के रास्ते में खर्च क्यों नहीं किया, ये मैं दुनियादारी के काम पढ़ रहा, वो उसको उसी वक्त पछतावा शुरू हो जाता है। नहीं लोग आ सकते दूर से तो जी आप मत सोचेंगे या हम सेहतमंद होंगे या नमाज पढ़नी शुरू करेंगे या मरीज अच्छा हो जाएगा, तो आप उनको घर ही में अकीदा पढ़ा सकते हैं। ये वो फार्म किया गया कि आप इस कीदा अल्लाह रसूल की तरफ से बाहर भी बहुत कामयाब हुई है कि बहुत से लोग ऐसे थे जो आना चाहते थे हमारे पास, सुन के आना चाहते थे, लेकिन वो उनको बात होगी, उनका इंतकाल हो गया तो वो बात नहीं हुई, शायद क्योंकि जो आपसे मोहब्बत रहते थे उनको बख्श देंगे। लेकिन ये अकीदा जो है आप घर में ही पढ़ा देंगे, वो सच्चे दिल से इस पर ईमान ले आएगा, तो जो करम नवाजी मुरीद पर होती है वही उस पर भी हो जाएगी।
उसके गुनाह माफ हो जाएंगे, बीमार आदमी है उसकी नजर की तकलीफ नहीं है, घर बैठे बैठे ये काम हो जाएगा। तो ये जो फार्म ले जाना चाहे अपने घर वालों के लिए, बूढ़े लोग बीमार लगे उनको नहीं है, कितनी बात कैसे नहीं होती या पता नहीं होता इन बातों का, तो आप घर में ही पढ़ा देंगे, जहाँ जमा करवा देंगे आप डायरेक्ट या आसान पोस्ट कर देंगे, तो उसको वो जो वजायत आपको दिए जाएंगे उनकी उसी वक्त इजाजत हो जाती है। ये वो वजायत भी साथ है, ये फार्म आपको एक फालतू दिया जाएगा, दूसरे भी लोग जो ले जाएंगे वो ले जाएंगे। बाकी पीर अदा साहब ने ये जो आपको बातें बताई हैं इसकी मैं तस्दीक करता हूँ, ये मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मैंने ये ऐलान कर रखा है कई साल का, कि जो शख्स इस वक्त मतलब एतराज करता है, हम किसी मजहब को नहीं कहते, कोई कोई मजहब है, हिंदू है, काफिर है, देवबंदी है, ईसाई है, शिया है, गैर मुस्लिम है, मुस्लिम है, जो शख्स कहता है कोई पीर है, कोई वली है, कोई बुजुर्ग है, कोई इमाम मतलब कोई भी है, मुझे कहता है जी फैज नहीं है, होता नहीं, तो मैं आपके साथ हाजिर हूँ कि आपके आपके पास लोग यहाँ पाकिस्तान में पहली बार ये मैं इधर आया हूँ, पहले बहुत साल पहले मैंने हाजिरी दी बाब साहब के दरबार में, उस वक्त मेरी मजबूरियत की कभी अब आकर थी, उस वक्त मुझे ऊपर मौत में आया, तो ये उसके बाद अब आया हूँ, तो अब भी मैं ऐसे नहीं आया, मुझे अचानक जो है वो चार पाँच दिन पहले वहाँ इशारा हुआ, तो मुझे मैंने हुक्म हुआ, मैंने देखा कि मुझे सिलसिला लोग सिलसिला में दाखिल हो रहे हैं, अभी मैं ये देख रहा था कि नए एकदम लोग दाखिल हो रहे हैं, उनकी कैफियात मैंने देखी, खवातीन को मैंने बचानी कैफियत में देखा, मर्दों को देखा तो मैं देख रहा हूँ उनको ऊपर ला के रहमत हो रही है और उनके दर्जात बुलंद हो रहे हैं, उनको ये अदाएँ भी हो रही हैं, तो मुझे ये इशारा होता है कि आप अल्लाह के पास करके उधर आप जाएँ, तो इसीलिए मैंने फिर वो इरादा मैंने यहाँ दिया, मैंने कहा मैं आ रहा, मैंने खुद बताया, मैंने कहा मुझे हुक्म हो गया, ये कई साल से मुझे कह रहे थे कि आप आते नहीं आते हैं, अगर कोई अल्लाह का हुक्म होगा इशारा होगा फिर मैं हाजिर हो जाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये निस्बत अब मैं हाजिर हूँ, एक बात का मेरा ऐलान है कि आप सच्चे दिल से तौबा करके तैयार लेना चाहते हैं, अगर वैसे इतराज जो करता रहता हुजूर तनकीद करता है उसका कोई इलाज भी नहीं है, वो कोई भी शख्स हुए जमीन का नहीं मानता वो मेरे पास आ जाए, एक माह के अंदर अंदर उसे बात नहीं फजूल और बरकात की उसे इतला ना हो, उस पर कर्म ना हो तो मुझे छोड़ दे, हमें छोड़ दे। अब बड़े मसाइब ने एक साल का फतवा दिया रूहानी सुल्तान उल्लाह सरकार ने, जिलानी ने, मुजद्दद अफसानी ने, आपका फरमाने पाक है कि एक साल तक आप किलो मुझसे पकड़ने खैर लेने के लिए, अगर आपको एक साल तक भी नहीं होता है आपसे दूसरे दरवेश को ढूंढे, उम्र बर्बाद ना कर लें, क्योंकि हर वली दरवेश जो है वो फितरतन तबतन सभी भी होता है। एक साल आप मुझे के दुनियावी एक मिसाल है कि आप मांगते रहे आप मेरे हाथ पहुँच चुनते हैं, अल्लाह का कुछ समझ के, कुछ वकील समझ के, कुछ दरवेश समझ के, किस समय फैज होगा फैज होगा, तो फैज अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है वो बात उनमें नहीं है, अगर फैज होगा तो वादा तो अल्लाह रसूल ने किया, वादा तो हुजूर ने फरमाया ना कि इनके पास बैठने वाला बदला करे रहता, आपका हुक्म है, अल्लाह ने फरमाया कि इनकी सोबत इख्तियार करो तुम हिदायत पा जाओगे, हुजूर पाक समझ के लेके आज तक खलीफा